लो जी, ये लैपटॉप इधर पड़ा है और साथ में सिगरेट क्यों पड़े हैं, और साथ में लड़की की ज्वेलरी पड़ी है, किस दफ्तर में ऐसा होता है यार? करते हैं चलो, जूती भी लंबी पहनी हुई है, जूती लंबी पहनी हुई है। ये पढ़िए, दफ्तर में किताब चूहे कैसे मारते हैं। आज मेरा पॉकेट मनी का दिन है और पापा के लिए मैंने बनाया है जबरदस्त पराठा ताकि मुझे ज्यादा पॉकेट मनी दें। ये गुलाम बास ने आज देखो क्या सजाया है, ये पापा के लिए सजा रहा है सिर्फ और सिर्फ इनाम की खातिर। तू इनाम की खातिर क्या कुछ कर ले? नहीं होता भाई, शाबाश होती है। अच्छा शाबाश होती, इनाम नहीं होता वो, लेकिन टेस्ट अच्छा होना चाहिए, वरना पापा ने इनाम के बजाय ना तुझे ऐसा बदनाम करने मार मार के। ये अच्छा है पापा ने तेरी, ये देख फेंटी लगा दी नहीं चॉपस्टिक के बजाय। अच्छा खुदा ना करे, लेकिन ये चॉपस्टिक के बजाय ये तुझे सोटियां दे। मैं ना सोच रहे हैं कि मैं इत्थे अपना एक होटल शुरू करा। अच्छा। ताडे नाल रल मिल के पीरा। ये क्या पीरा गुलाम बास, मैं पापा को बताती, मेरे पीकर चेक करना कि ये हलाल है कि नहीं। जा ओए होए होए, गुलाम बास तो मुझे छोड़ना नहीं। लो जी अच्छा यहाँ से आ रहे है। ओए होए, ये तो पापा ने मुझे माफ नहीं करना, गुलाम बास ने कभी शिकायत लगा दी। आज मेरी पॉकेट मनी का दिन है तो पापा को इम्प्रेस करने के लिए खुद ब खुद उनके कहे बगैर उनको देसी घी में ना इतना खूबसूरत देसी घी में पराठा बनाकर दे रही हूँ। आज पक्का पापा ने ना मुझे ना बढ़ा कर देनी है मेरी पॉकेट मनी, क्योंकि एक तो महंगाई होगी और ऊपर से आज पापा को नाश्ते में पराठा मिलेगा। पराठा देखते हैं आज मुझे कितनी पॉकेट मनी मिलती है। इस पॉकेट मनी के बाद हो सकता है मैं कुछ फॉरेन ट्रिप लगाऊं या फिर बहुत ज्यादा शॉपिंग करूं। बाय। हाँ जी, पापा का पराठा हो गया है रेडी। अब मैं सोच रही हूँ यार, चूंटा पूरे घर में नहीं मिल रहा है, हो क्या गया, मैं कैसे उल्टाऊ इसको। ये देखो इस चीज से बनाना पड़ रहा है। पापा रे पापा, पापा को इम्प्रेस भी तो करना है ना, पॉकेट मनी वाला दिन हो तो कौन इम्प्रेस नहीं करता अपने बॉसेस को। चलते हैं पापा का रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन का देखते हैं उनसे, अब पॉकेट मनी लेते हैं। ओह माय गॉड, ये गुलाम बस क्या लाया हुआ है, इतने दिनों से पानी नहीं पी रहा, ये क्या पी रहा गुलाम बास? मैं पापा को बताती हूँ, ये छुप छुप कर नॉन हलाल ड्रिंक पी रहा है, ये तो हलाल नहीं है। ये क्या चीज है, टेडी बियर ड्रिंक, ये बियर है, टेडी बियर। घूंट लेकर देखती हूँ हलाल है कि नहीं। ओपनर, इसका ओपनर किधर है यार, मैंने पीकर चेक करना कि ये हलाल है कि नहीं यार, ओपनर किधर है? ओह ओपनर लेकर आती हूँ, पापा को बताती हूँ ये क्या पी रहा है। ये तो नहीं, क्या रखा हुआ यहाँ पे, चॉपस्टिक है? चॉपस्टिक किधर है? ये पापा चॉपस्टिक से खाएंगे, ये स्टेक है, स्क्यूअर्स कहते हैं, ये तो टिक्का लगाने के लिए होती है, चॉपस्टिक नहीं है ये। कुल्फी जी पतली पतली, ये कुल्फी नहीं है, ये स्टर करने के लिए, चाय शाय मिलाने के लिए, उस क्या काम चीज के लिए काम आती है, यूं करके घुमाने। ये टोके क्यों रखे हुए तूने यहाँ पे, अल्लाह माफ कर दे, टोके क्या कर रहे हैं यहाँ पे? चिकन भी मैं प्रॉपर शेफ से कहा बाजी। अब जी मैं ना सोच रहे हैं कि मैं इतने अपना एक होटल शुरू करा। अच्छा। ताडे नाल रल मिल के बाजिया ने नाल बाहर। अच्छा, पाए नाल रल मिल के होटल शुरू करना चाहिए। ये तूने क्या डाला वे, ये क्या चीज है बाजी? ए तू आप 10 मिनट चख के की, ये मुझे कुछ कच्ची चीज नहीं बाजी, कच्ची नान खाना मैं, बस बस ये वखरी चीज है बाजी, वखरी चीज है। मुझे क्या खिला रहा है? ये गुलाम बास ने आज देखो क्या सजाया है, ये पापा के लिए सजा रहा है सिर्फ और सिर्फ इनाम की खातिर। तू इनाम की खातिर क्या कुछ कर ले? नहीं होता भाजी, कुछ 100-200 डॉलर दे लेना। डॉलर? अच्छा तुझे डॉलरों में चाहिए भाजी? डॉलर इनाम नहीं होता भाजी, शाबाश होती, शाबाश होती। अच्छा शाबाश होती, इनाम नहीं होता वो भाजी, कहने प्यार ना देने के साथ रख लो, मैं तुमको बाद में बराबर कर दूंगा, फिर चुप के बाद साहब मैं अख मार के कहते है। हुमा ने इसको कहा है कि ये डालो पालक, मुझे लगता है पापा ने ना तेरी गुती मरोड़ देनी है, ये तो पापा को कच्ची पाल के खिला रहा है। तूने ये प्लेट तैयार कर दी अब साहब के लिए, अब लगता है तुझे सही से इनाम मिलने लगा है, लेकिन टेस्ट अच्छा होना चाहिए, वरना पापा ने इनाम के बजाय ना तुझे ऐसा बदनाम करने मार मार के। साहब ने मैंने नहीं मारा बाकी, बड़े प्यार कर देने तुसी जी मेरे साहब बारे, ऐसा जी गल्ला ना करया करो भाई। ठीक है जी, खूब चॉपस्टिक से किथे चली गई, बस एक ही चॉपस्टिक रख दूसरा। ये अच्छा पापा ने तेरी, ये देख फेंटी लगा दी नहीं चॉपस्टिक के बजाय। अच्छा खुदा ना करे, लेकिन ये चॉपस्टिक के बजाय ये तुझे सोटियां दे रहा है, ये चाय में चीनी मिक्स करने के लिए होती है। गुलाम बास दिखा तूने क्या प्लेट रेडी की है, तुझे इनाम के चक्करों में ना तू इनाम
इनाम के चक्रों में ना तू पता नहीं क्या करे, जा खामोशी से जा, गुस्सा ना दिला। ये सारे का सारा मैंने बनाया, पूरा किचन में गर्मी तूफान में मैं बना कर लाई हूँ। ये मैंने ये देखो ये मैंने बनाया सारे के सारे, किचन में घुस के इतनी देर से बनाती रही हूँ। देखते हैं अब ये चॉपस्टिक से खा सकती है कि नहीं, चॉपस्टिक से खा सक रही है। ये मुझे मुर्गी मुर्गी के पंजे तो नहीं है, चिकन है। मैंने गुलाम बासत ये क्या किया है, ये सारे का सर्फ मशीन से बाहर आ रहा, थोड़ा सर्फ डाला था उसने, मैंने इतना ज्यादा सर्फ डाल दी, मुझे नहीं पता था ये होगा। अब तो आके उसने इतना शोर मचाना, से कहना भाई जी है की कर देता, गर्म पानी से चल रही है मशीन। ओए 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 गुलाम बासत तो मुझे छोड़ना नहीं। लो जी अच्छा यहाँ से आ रहे है, ओए ओए ये निकली आ रहा है यहाँ से। ओए 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 ये तो पापा ने मुझे माफ नहीं करना, गुलाम बासत ने कभी शिकायत लगा दी। अब ये सिर्फ और सिर्फ पैसों पे चुप होगा, इसकी जुबान पैसों पे चलता है। ये इसे कहो ना गुलाम बस तुझे पैसे दूंगी ना बता पापा को, चुप हो जाएगा। खाने की मेज भी मुझसे सजवाते हैं, और जब खाना सब खा चुके होते हैं तो प्लेटें भी मुझे लाने का कहते हैं। ये देखो अब सारी प्लेटें मैं किचन में लेकर जाऊं, तुम ढीठ हड्डों से कुछ ना आ सका है, तूने भी ना सोचा। सब बच्चे बाहर हैं, ये मैं लेकर जा रही हूँ प्लेटें, मतलब मैं क्या कर रही हूँ। पापा मैं कैसे उठा नमाज पढ़ने के लिए, पापा नमाज मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, मुझे काम कह रहे हैं। अच्छा उठा कर दी। अच्छा ठीक है, ये साहब ने आलू चन्नी की चाटे खा खा के दिमाग चाट लिया पापा। एक एक प्लेट लेके जा रही, दो प्लेटें इकट्ठी करके लेके। अच्छा पापा दो दो प्लेटें, ये सारी प्लेटें लेकर जा रही हूँ, गिरी तो पापा मुझे कुछ ना कहना। वो मोहम्मद अली क्लियर ना पापा बन जाएगा। ये देखिए पापा सब चीजें लेकर जा रही हूँ। गुलाम बास की वाट लगी पड़ी है। प्याज इधर रखो, दफ्तरों में प्याज और आलू नहीं होते, इधर रखो प्याज आलू, क्योंकि दफ्तर का सामान और माहौल लगना चाहिए अच्छा सा। चलो हाँ चलो चलो जल्दी करो सफाइयाँ सारी, अपनी अपनी भाग भाग के सफाइयाँ पूरी करो। हाँ कूड़ा उठाओ, झाड़ू उठाओ, चलो सब कुछ जल्दी जल्दी करो, कहीं देरी ना करो। ये आयरन स्टैंड का क्या करना है, आयरन स्टैंड का क्या होगा। लो जी ये लैपटॉप इधर पड़ा है, और साथ में सिगरेट क्यों पड़े हैं, और साथ में लड़की की ज्वेलरी पड़ी है, किस दफ्तर में ऐसा होता है यार। ये सारा उठाना पड़ेगा हमें। अच्छा अच्छा उठाओ, उठाने की करते हैं। चलो जूती भी लंबी पहनी हुई, जूती लंबी पहनी हुई है। लो जी कौन सा एम्प्लॉई तितलियों वाला टेबल इस्तेमाल करता यार। अंडे किसके दफ्तर में होते हैं, बीपी ऑपरेटर्स किसने रखे हुए अंडे और बीपी ऑपरेटर्स। ओहो और ये कॉइन्स किसके दफ्तर में पड़े होते हैं, ये किसके पॉकेट मनी पड़ी है सारी यहाँ पर। वाह डिजिटल दफ्तर के अंदर किताबें क्या कर रही हैं, वो भी इस जुबान में भी नहीं हमारी, ना ये इंग्लिश में है ना ये उर्दू में है। ये है हाँ ये सारी किताबें किस जुबान की पड़ी है। चूहा मारने की किताब भी पड़ी हुई इस दफ्तर के अंदर। वो यार ये बिल्लियों वाला शैम्पू क्या करा दफ्तर के अंदर, बिल्लियों वाला शैम्पू। घर के सौदे आलू मटर प्याज ये कौन लिख के रखता है यार दफ्तर के अंदर, बीवियों ने अपनी लिस्ट मंगवाई हुई है। हाँ मुझे लगता है अब ऑफिस की लुक जो है ना प्रॉपर कंप्लीट हो गई है, मैं जरा थोड़ी बहुत सफाइयाँ कर लूँ। उफ अल्लाह ये तो गुलाम बास को इंग्लिश पढ़ने का इतना शौक है, बाहर दुकान से इतनी महंगी बुक लेकर आया है, और ये सारे रशियन लैंग्वेज में लिखी हुई है, ये कोई इंग्लिश है, ये तो कोई बच्चा भी पढ़ के बता सकता है ये इंग्लिश नहीं है, ये क्या ये पढ़ ही लेता कि इंग्लिश नहीं है, इतनी महंगी किताब ले आया है यार। ऑफ इंग्लिश इंसान इन किताबों से सीखता है। गुलाम बास को तो ना फेंटी पढ़ने वाली है, पापा को दिखाती हूँ कितनी महंगी बुक ले आई, और सारी रशियन है, उसको लगे इंग्लिश बुक है ये, अल्लाह उसको इंग्लिश नहीं पढ़ने आती। हुमा कह रही उसने मेरे लिए एक सरप्राइज बनाया किचन में, देखती हूँ क्या सरप्राइज है मेरे लिए। वाह पैनकेक लग रहा है, पैनकेक नहीं तो पराठा है, वो जो जल रहा है ये क्या है, जलावा पराठा, ये मुझे जलावा पराठा खिलाना चाह रही है यार इसने, ये तो बहुत मेरे हाथ की भी साइज से छोटा पराठा है, एक बालिश से भी छोटा पराठा है ये तो, ये सरप्राइज है मेरा यार। अब रिजे का जाया नहीं कर सकती, खाना पड़ेगा मुझे। उमा से पूछती इसने मुझे सरप्राइज देने का सोचा ही क्यों। ये गुलाम अब्बास की नई रेसिपी की ग्लव्स के साथ जो है ना उसने आटा गूंदा है। नहीं बाजी मेरे नाखून खून दे तो नाखून ते ना टक पै गया। अच्छा तू तो करता फाइव स्टार में लोग आटे बाजी ऐवे। अच्छा ठीक है ना दिखा हमें अपना टक, मैं दिखावांगा। अच्छा तेरी इज्जत का सवाल आ गया। ओहो अच्छा अच्छा पांच टेपा लाइया दे दी, पांच टेपा ला के अब तू फिर बाजी उठे मैं ग्लव्स पाया है ताकि इससे अब तू आटा गूंदा ग्लव्स कट के देख ला बाजी। गुलाम अब्बास ते गुलाम ही हैगा, अब्बास दा गुलाम है मौला अब्बास। वाह 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 जो मर्जी तुसी काम करा लो मेरे को। अच्छा 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 ओना दे सदके करीदा है सारे तुम्हारी खिदमत। बड़ा अच्छा आदमी निकला। थैंक यू बाजी काम कर बाजी आप मुझे कहें कि आप अच्छी लड़की हो।
अच्छा तू लड़की बनना चाहता है? मुझको फीलिंग्स होती है कि जैसे मैं लड़की हूँ बाजी। इनका पठाना कहीं का पापा को, पापा ने तुझे कितने बार मना किया, ऐसी बातें ना किया जी। कसम से दिल करता है कि मैं ना लड़की हूँ, मुझे फील ऐसा होता है बाजी। अब उर्दू ना बोलने लग जाकर लड़की बनते बाजी जी, बस इतनी गुलाबी कपड़े पहनते हैं। आई फील आई एम लड़की, आई एम गर्ल। गुलाम बस की स्पेल इंग्लिश स्टार्ट और मेरा सर दर्द। आप तो सही करेक्ट इंग्लिश बोली है, कहीं से गलती हुई है इसमें? हाँ मैं तू इंग्लिश उर्दू ना बोला था। आई एम गर्ल फीलिंग, आई एम फीलिंग, आई एम गर्ल, आई एम गर्ल फीलिंग। तो इंग्लिश और उर्दू ना बोला कर, बस पंजाबी बोला कर तू, आई समझ? ओके भाई, एज यू विश, एज यू। फिर इंग्लिश बोल रहे, जब से बाहर के मुल्क में आया ना ये इंग्लिश बोलने लग गया। अब वैसे भी ये क्या यार चुमटा है ये, कैसे इस साइड पे सब्जी बन रही है, क्योंकि सब्जी खाने वाले लोग अलग है इस घर में, और इस साइड पे पक रहा है कुछ चिकन जैसी चीज। लो जी, यानी कि गुलाम वास ने चिकन पका ही दिया, अब ये बना रहा चिकन इसमें। कौन बाजी चक्कर आ ही गई है, तो फिर तो मुझे काम करवा ले जब मैं आती हूँ। बाजी चल पड़ा हट नहीं, तेरे को बैठी काम कराना नाजुक जी। चीड़ी जितनी पता नहीं कैसे कैचअप डाल दी इसमें, क्या पानी ना लावे जो तक झाग बनी पड़ी है। बाजी चुप कर जा, बड़ा खुश है। ये तेरी वो सीक्रेट रेसिपी है ना जो तूने इंडियन से जाके सीखी है? जी मैं बाजी मैं चाइनीज को सीखी। अच्छा चाइनीज से सीखी, अगर तू कहता ना इंडियन, अभी मैं तेरा फुल मजाक उड़ाना था, क्योंकि वो लोग वेजिटेरियन होते हैं। सारे वेजिटेरियन होते, अद्धे वेजिटेरियन होते हैं, अद्धे। अरे कच्चा चिकन चख रहा है तू गंदा। तूने क्या कच्चा है बाजी, खुदा का खौफ खा रही हूँ।